आगे आने वाला वीडियो हमारे पार्टनर चैनल द फैक्टो हिंदी का है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो का मजा लो। WWE एक बेहद ही रोमांचक और मनोरंजन से भरा खेल माना जाता है, इसलिए इसके विश्व भर में फैंस मौजूद हैं। रेसलिंग का महाकुंभ कहे जाने वाले WWE में कई बेहतरीन रेसलर रहे हैं, जिन्होंने WWE के इतिहास में कई रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। मगर आज हम जिस रेसलर के बारे में बात करने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है अंडरटेकर। WWE के सबसे खतरनाक रेसलर कहे जाने वाले अंडरटेकर को डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अंडरटेकर मौजूदा समय के WWE के सुपर स्टार हैं और 90 के दशक में अंडरटेकर ने जबरदस्त लोकप्रियता बटोरी थी। अंडरटेकर के एंट्रेंस को लेकर WWE के फैंस में एक अलग ही रोमांच दिखाई पड़ता है। घंटी की आवाज और नीली रोशनी में अंडरटेकर का रिंग में आना। अंडरटेकर को मौत का सौदागर यूं ही नहीं कहा जाता। अंडरटेकर लंबे समय से WWE से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अंडरटेकर की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। मगर आज भी अंडरटेकर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 4, रिंग और बार दोनों एक जैसे। अंडरटेकर रिंग में एक बेहद ही खतरनाक रेसलर माने जाते हैं, लेकिन वे बाहर काफी शांत स्वभाव के दिखते हैं। लेकिन अंडरटेकर रिंग में और रिंग से बाहर कुछ भी गलत होता नहीं देख सकते। इसलिए एक बार जब क्लब में किसी रेसलर की जर्मन आदमी से लड़ाई हो गई थी, जिसके शोर से अंडरटेकर को गुस्सा आ गया। अंडरटेकर ने फौरन जर्मन आदमी को गले से पकड़कर दीवार पर पटक दिया और उसकी खूब धुनाई भी करी थी। नंबर 3, अंडरटेकर को पहली बार खूनी किसने कहा। अंडरटेकर के मैनेजर रहे प्रिचर्ड ने एक बार शो में बताया कि शो खत्म होने के बाद जल्दी से दूसरे स्थान पर आ जाते थे और समय की कमी होने के कारण उन्होंने मेकअप भी नहीं उतारा था, तभी वे रास्ता भटक गए। जब उन्होंने एक लोकल आदमी से लिफ्ट मांगा तो अंडरटेकर का चेहरा देखकर व्यक्ति ने कहा कि शायद ये शख्स किसी का खून करके आया है। फिर उस व्यक्ति ने वहां से जल्दी निकल जाने को कहा। नंबर 2, बिल्ली का मुंह क्यों बनाते हैं। अंडरटेकर अधिकतर फाइट जीत लेने के बाद बिल्ली जैसा मुंह बनाते नजर आते हैं। अंडरटेकर का यह सिग्नेचर स्टाइल एक मजाक से शुरू हुआ। एक बार हवाई जहाज के सफर में अंडरटेकर ने मजाक के रूप में मुंटाया को एसिड दे दिया, जिसके बाद एसिड का असर उन पर होने लगा। तब अंडरटेकर उनके पीछे बैठे थे। जैसे ही इन्हें इस बारे में पता चला, उन्होंने बिल्ली का मुंह बनाया और मुंटाया को चढ़ाना शुरू कर दिया। तब से ये अंडरटेकर की सिग्नेचर बन गई। नंबर 1, खीरे से लगता है डर। अंडरटेकर भले ही WWE के एक बेहद ही खतरनाक रेसलर माने जाते हों, लेकिन वे एक खीरे से डर जाते हैं। आपको भले ही ये अजीब लगे, मगर ये बिल्कुल सच है। दरअसल अंडरटेकर को खीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसकी वजह एक शख्स ने बताई। बताया जाता है कि अंडरटेकर और पॉल एक होटल में रुके, जहां उन्हें खीरा परोसा गया, जिसे खाकर उन्हें उल्टियां हो गई। वही रात के खाने में भी खीरा परोसा गया, जिसे देखकर अंडरटेकर ने दोबारा उल्टी कर दी। तो ये थी अंडरटेकर से जुड़ी कुछ अजीबो गरीब फैक्ट्स। अगर आप भी अंडरटेकर के फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अंडरटेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।